जनपद में शासन के निर्देशानुसार सभी नागरिकों का फैमिली आईडी बनाया जाएगा, जिसके संबंध में ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फैमिली आईडी कार्ड बनाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें एक परिवार एक पहचान के तहत मुहिम चलाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिले। इसमें जनपद के 7,96,000 राशन कार्ड हैं, जो कि फैमिली आईडी से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड लगाना अनिवार्य है। इससे उनके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिसके बाद वह प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। इससे सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, विकलांग प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। उन्होंने बताया कि सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी और उनको सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। फैमिली आईडी जनरेट करने व सत्यापन करने की पूरी प्रक्रिया ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की भांति होगी व शहरी क्षेत्रों में संबंधित लेखपाल व एसटीएम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्रेटरी व बीडीओ के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव ने कहा, नीरज श्रीवास्तव, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, कलेक्ट्रेट गोरखपुर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक फैमिली आईडी कार्ड का जो बनाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, उसके साथ एक फैमिली एक कार्ड के तहत ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हर परिवार से एक सदस्य कम से कम नौकरी में रहे, वो भी इस मुहिम में जुड़ा हुआ है। साथ में जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं, लगभग गोरखपुर में 7,96,008 से भी ज़्यादा राशन कार्ड हैं आज के डेट में, वो इस फैमिली आईडी कार्ड के तहत जुड़े हुए हैं। वो जाकर के किसी भी जनसेवा केंद्र एवं अपने स्वयं familyid.up.gov.in पे जाकर के अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आधार कार्ड का डालेंगे तो उनके पे एक ओटीपी जाएगी, जिसके माध्यम से वो वेरीफाई करके अपनी फैमिली आईडी कार्ड का प्रिंट ले सकते हैं। साथ में सभी परियोजनाओं में इसका बहुत उपयोग होगा, जैसे विकलांग प्रमाण पत्र हुआ, विधवा पेंशन हुआ, इन सबको उनको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि उनके फैमिली में किसको ये प्राप्त हो रहा है, किसको नहीं प्राप्त हो रहा है। इसकी विशेषता ये है कि किसी भी परिवार के सदस्य को, मान लीजिए वो 60 साल के हो गए, उनको नहीं है पता कि उनको विधवा पेंशन मिलना है, तो उनको पता चल जाएगा कि वो उस कैटेगरी के में हैं और वो ई डिस्ट्रिक्ट जनसेवा केंद्र के माध्यम से जा कर के, चाहे किसी भी साइबर सेल में जा कर के वो अपना या खुद अपने वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर सकते हैं। साथ में राशन कार्ड जिसका नहीं है वो भी इसके लिए पात्र है। फैमिली आईडी कार्ड के लिए वो रजिस्ट्रेशन जनसेवा केंद्र के माध्यम से कर सकता है या खुद familyid.gov.in पे जाकर के खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर वो अगर राशन कार्ड से वंचित है, उसे पता ही नहीं कि वो राशन कार्ड पा सकता है, तो वो राशन कार्ड का भी फॉर्म भर करके अपना राशन ले सकता है।